ओम नमो आदेश गुरु को, ओम काली, हर हर महादेव। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो दर वीडियो आपको हम परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। आप लोग भले ही किसी भी राज्य से हैं, किसी भी भाषा से आपका ताल्लुक है, लेकिन परमात्मा से आपको जुड़ना चाहिए। यह मैं कहता हूँ कि जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा से जुड़ना ही एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य का। काम क्रोध मद लोभ अहंकार यह आपको जुड़ने नहीं देता, मैं आपको जुड़ने नहीं देती, हमेशा अलग रखती है आपको परमात्मा से। तो आज कुछ भक्तों के प्रश्न आए थे मेरे पास, जो कि बड़े बेहतरीन मुख्य प्रश्न हैं, जिसे अनेक लोगों को लाभ मिलेगा। तो इनको ऑनलाइन ही मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है संजना श्रीवास्तव जी का। संजना लिखती है कि गुरु जी, मैं माँ काली से डरती हूँ और मुझे बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, माँ काली से डर लगता है। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा हाँ बता दूं संजना जी के बारे में। ये कुछ महीने पहले हमारे पास आई थी, कॉल से बात हुई थी। इन्होंने बताया था कि गुरु जी, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ काम बन नहीं रहे हैं, बेटे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, पूरा दिन घर पे पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, पति हैं पति बीमार रहते हैं या कभी पौवा चढ़ा के रहते हैं, आंखें पीटते हैं बहुत से हमको, पी के खुद आते हैं, पीटते मुझे हैं, ऐसे बजा देते हैं घंटा, और मेरे को भी ज़्यादा दिक्कत है, गंदे सपने आते हैं, परेशानियाँ होती थी, ऐसा लगता था जैसे शरीर के साथ कोई खेल रहा है, मतलब गलत काम हो रहे हैं। तो तब हमने इनका जो मामला है वो अपने हाथ में लिया था संजना जी का। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर दूं बेटा, मेरे पास ना तो कोई एडिटिंग करने वाला है, न ही कुछ, जैसे अनेक लोगों के पास हैं कि वीडियो शुरू होती है, ढूंढ 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 ऐसे ज़मीन हिलती है, म्यूजिक बजता है, नंबर इधर उधर जाते हैं, उनके टाइटल घूमते हैं, चमक आती है, फिर गुरु सामने आते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, बोलते पता नहीं क्या है कि लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन इंट्रो बहुत मस्त होता है। तो मेरे पास ऐसा कोई एडिटिंग वाला नहीं है, मैं तो खुद ही अपना कैमरा लगा के फ़ोन रिकॉर्ड करके आपको बता देता हूँ। तो संजना जी की जो कहानी है वो इस तरह से थी, बहुत ज़्यादा पीड़ित, वो बोल रही थी पिछले 16 साल से भटक रही हूँ मैं और 14 साल से माँ काली की भक्ति कर रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने काली कवच पढ़े, काली की चालीसा पढ़ी, तरह तरह से उनको रिझाने की कोशिश की, 14 साल तक उन्होंने माता की भक्ति की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली उनको। आज स्थिति ऐसी हो गई थी कि घर में न पैसे बचे, न कोई प्रॉपर्टी बची, रेंट पे आके रहना पड़ रहा है। संजना जी हैं, उनके पति हैं, दो लड़के हैं, एक लड़की है, ये टोटल उनकी फैमिली है। स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी इनकी, तब हमारे पास आई थी, इन्होंने अपना दुखड़ा रोया तो हमें भी दिल हमारा भी पसीज गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इनको समस्या थी जीवन में। जिसके बाद हमने इनको बोला, बेटा 3 महीने में तेरे को ओके कर देंगे, बिल्कुल ओके रिपोर्ट, 5100 रुपये लगेंगे फीस के, फीस एक ही बार लेते हैं हम, बार बार आपसे होली दिवाली पर हफ्ता वसूल नहीं करते, लेकिन काम परमानेंट। तो ये बोली, गुरु जी मुझे पता है, विश्वास है, मैं अनेक जगह गई हूँ, अनेक भगत देखे हैं, उनकी बातें सुनी हैं, उनके जो है सब कुछ मैंने देखा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। एक दिन बैठी बैठी रो रही थी परिवार की बर्बादी पर, तो सोचा कोई म्यूजिक चला लूँ, कोई भगवान के नाम का, माँ काली के नाम का कोई गाना चला लूँ, कोई मंत्र चला लूँ जिससे मन को शांति मिले। इसके लिए यूट्यूब खोला,
माता काली को मन ही मन याद कर रही थी कि हे माँ काली, मुझे इस क्षति से ते उबार। और जैसे ही मैंने यूट्यूब किया, आपका वीडियो बजने लगा। उसमें आप बोल रहे थे कि घर में जब मसान होता है तो वह स्त्री के साथ क्या क्या करता है, रात को क्या करता है, दिन को क्या करता है, लक्षण क्या होते हैं, पेट की क्या स्थिति होती है, कंधों पर क्या स्थिति होती है, माथे पर क्या स्थिति होती है और नाभि से नीचे क्या स्थिति होती है। तो वो सुन के मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। फिर आपने बताया कि पति के साथ भी स्त्री का संबंध रहने नहीं देता है मसाण। वही स्थिति मेरी थी, पति और मैं बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया था। वो मुझे देख के खुश नहीं, मैं उन्हें देख के खुश नहीं, दोनों के अलग अलग विचार। अब बच्चों की वह स्थिति जो आपने बताया कि जब महिला 45 की 50 की हो जाती है तो यह मसान उसकी लड़की को पकड़ लेता है, जो युवा अवस्था में होती है 18, 19, 20, 21 जितने की भी। फिर लड़की के साथ वही घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात को लगता है किसी ने गला दबा दिया, सांस रुक जाता है, छाती पर वजन पड़ता है जैसे कोई पैर रख के बैठ गया। उसके बाद झटके लगते हैं शरीर में, ऐसा लगता है कि कोई गलत संबंध बना रहा है। सुबह उठती है तो शरीर बिल्कुल ऐसा कमज़ोर हो जाता है जैसे टूट गया हो, उठने का मन ही नहीं करता है। इस तरह की स्थिति लड़की के साथ बता रहे थे तो वह भी सेम ही थी। फिर मैं ध्यान से आपका वीडियो सुन के फिर मेरा मन किया भाई कॉल करूँ मैं, तो देखो ये तो जो कुछ आप बता रहे हैं ये तो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसा करके उसने मुझे कॉल किया, मुझे स्थितियाँ बताई टेलीफोन से, मैंने भी स्थितियाँ सुनी, मुझे बोल दिया बेटा मसाना इतने रुपए लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, कर दूंगा इलाज। तो ये बोली, गुरुजी मैं बड़े बड़े दरबारों में गई हूँ, भक्तों के पास गई हूँ, सभी ने हाथ जोड़ लिए कि मुझसे नहीं होगा। मैं बोला बेटी तेरे भक्तों ने हाथ जोड़े होंगे, मैं तो इससे हाथ जुड़वाऊंगा नहीं, पैर भी पकड़वाऊंगा जो तेरी शक्ति है। हम योगी हैं, हम कोई झाड़ फूक वाले बाबा नहीं हैं, कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई गुनिया, कोई सोखा, कोई बांकी नहीं है कि जो हाथ जोड़ लेंगे कि तू बलवान है जा निकल। बेटा हम योगी हैं, भस्म कर देंगे साले को, मसान को, ऐसा तप बल है। तो उसने फिर हमें दक्षिणा दी, हमने उसको उपाय दिया। 21 दिन उसने उपाय किया था, 21 दिन में उसका कॉल आया। मैंने कहा बेटा वीडियो कॉल से चेक कराओ, वीडियो कॉल से चेक कराया, देखा मैंने उसके चेहरे पर नूर आ गया था, चेहरा भी फूलने लगा, मोटा होने लगा, पहले बिल्कुल पिचक गया था जैसे घिया तोरी कोई सेब पिचक जाती है, वैसे पिचक गया था, काला पड़ गया था। अब 21 दिन में मैंने देखा तो उसका चेहरा चमक गया, चेहरे पर लाली आने लगी। तो मैंने बोला बेटा क्या खाती हो, तो उसने कहा गुरुजी कुछ नहीं खाती, खाती तो वही हूँ जो पहले खाती थी, अब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका इलाज है। मैंने कहा ठीक है बेटा। 11 दिन की फिर साधना, 11 दिन की साधना के बाद अब उसकी जो चीज़ थी वो 70-80% साफ हो गई थी, 10-20% बची थी। अरे फोन वाले भैया परेशान माह कह रहे, तो 10% 20% बची। तो इनके कुल देवी और पितरों को शुद्ध रूप में स्थापित कर दिया मैंने। अब कुल देवी आ गई, पितर आ गए, शक्तिशाली रूप में आ गए, मसाण रह गया 10% 15% तक का असर, उसको भी उन्होंने लात मार के भगा दिया। अब ये बेटी है जो माई है संजना, ये 14 साल से माता काली की भक्ति कर रही थी लेकिन जीवन में कभी इसको कोई तरंग नहीं मिली। बताती है कि गुरुदेव पहले मैं घर का गेट खोलती थी तो ऐसी बदबू आती थी, उमस सी आती थी कि मेरे को अंदर जाने का भी मन नहीं करता था। लेकिन आज 31 दिन हो गए हैं आपकी साधना को, आज मैंने दरवाज़ा खोला तो ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी सुगंध, ऐसी तरंग मेरे घर से महसूस हुई जो पहले कभी नहीं आई थी। आज तो मेरा बेटा भी कह रहा था कि माँ ऐसी खुशबू, ऐसी ताजगी, ऐसा फ्रेशपन हमारे घर में कभी नहीं था। पहले तो ये बोलते थे कि तू पागल है, तू भक्ति में फंसी रहती है, लेकिन आज पढ़ा लिखा लड़का था वो भी बोला
कि माँ पहले हमारे घर में हमेशा बदबू आती थी, लेकिन आज ये जो झोंका आया है दरवाजा खोलते, ये कोई और चीज है। अब बेटा भी जाप करने लगा गुरु मंत्र का, शक्ति मंत्र का, दो हो गए। तीसरा लड़का बाहर जॉब करता, पति जो शाम को आते थे बजाते थे पी के, अब वो भी शराब छोड़ के बैठ गए, ड्यूटी पर भी जाने लगे। सब कुछ सेट हो गया प्रोग्राम। अब उसकी माँ काली की भक्ति थी, जो मैली शक्ति हटती है तो शुद्ध शक्ति तुरंत आ जाती है। और हमारा भी नियम है, जिस तरह से एक गिलास है उसमें काला पानी भरा है, उस गिलास को मैं आपका घर बताता हूँ, जैसे आपका घर है उसमें काला पानी है, यानी कि नेगेटिविटी है, मशान है, बुरी शक्ति है, कुछ भी एनीवन, तो उसको मैं कहीं खाली करके आऊँगा। अगर इलाज करूँगा तो खाली करके भी आऊँगा। अब वह खाली गिलास है, उसको मैं ऐसे आपके घर में नहीं रख के जाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने उसको ऐसे ही खाली रख दिया तो फिर कल को कोई ना कोई चीज़ उसमें आके घुस कर बैठ जाएगी, चाहे वह मसान हो, चाहे वह जिन हो, चाहे वह खबीज हो, चाहे वह कोई भी बुरी शक्ति हो। तो मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ जैसा अन्य लोग करते होंगे। मुझे नहीं पता भाई अन्य लोग क्या करते हैं, देखा हाथ जोड़ूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ, उस गिलास में आपके घर की कुल देवी यदि आपके साथ है, उसके अलावा आपकी इष्ट, आप जिसके भी भगत करते हो, जैसे कि ये माई करती थी माँ काली की, माँ काली की स्थापना उस गिलास में कर दी। अब उससे क्या फायदे हुए, दो फायदे होंगे उससे। पहला फायदा ये होगा कि अब वो स्पेस खत्म हो गया, अब वहाँ मसान मसानी क्रिया नहीं आ सकती, ना भूत प्रेत आ सकते हैं, जिंद कभी चुड़ैल, डाकनी साकनी, लाकनी हाकनी, बेताल, कोई पीर, कोई भी शक्ति नहीं आ सकती है। वो स्पेस क्लीन हो गया, भर गया, और उसमें भर गया क्या, उसमें देवी की शक्ति आ गई, अंश आ गया माँ काली का। अब वो अंश आपके घर को सुख समृद्धि संतान स्वास्थ्य सुंदरता सौंदर्य सुगंध स्वस्थता हर चीज से भर देगी। क्यों भाई, माँ जब शुद्ध रूप में आएगी आपके घर में तो फिर शुद्धता तो अपने आप ही हो जाएगी। तो ऐसे जीवन के अनुभव हैं। अब उसका चेहरा बिल्कुल सुंदर हो गया है, मतलब माता की कृपा साफ झलकती है, जैसी आपको अनेक लोगों के झलकती नहीं मिलेगी। मोबाइल पर जो फिल्टर लगा के सुंदर सुतरा दिखाना चाहते हैं, खुद को सुंदर दिखवाना चाहते हैं, वो नेचुरल ब्यूटी नहीं है। नेचुरल ब्यूटी वो होती है जो भगत के मुंह से चमकती है। तो अब वो बोलती हैं कि मैं डरती हूँ माँ काली से। अब हम प्रश्न पर आ ही जाते हैं, जो प्रश्न है मुख्य, गुरु जी मैं डरती हूँ माँ काली से, क्योंकि अब माँ काली आसपास रहने लगी, उसको महसूस होने लगी, दिखने लगी। अब बोलती है मैं डरती हूँ। गुरु के पास जब आप जाते हैं, गुरु आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, जो सही गुरु होगा वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, वह आपको उत्तर देगा, प्रश्न को उत्तर नहीं देगा, आपको उत्तर देगा। तो बेटा समझना, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, मैं डरती हूँ माँ काली से। इस कथन के मैं दो तीन मतलब निकाल सकता हूँ। पहला मतलब, आप सोचती हैं मृत्यु का भय, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा है, तब तक काली पूर्ण रूप से नहीं उतर पाएंगे आपके भीतर। लेकिन मैं का मरना दुखदाई महसूस होता है, जबकि होता नहीं है ऐसा। मैं के मरते ही आप आनंदित हो जाते हैं, जैसे मैं आनंदित होके बैठा हूं। मैं के मरने से आपके शरीर में, जीवन में, किसी भी चीज में कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि लाभ होता है। जहां मैं नहीं रहता वहां तुरंत परमात्मा उतर जाते हैं, यानी कि तू ही तू। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कर्ता पुरख निर्वैर निर्विकार अजूनी सैभम, आद सच जुगाद सत है भी सच नानक होए सच। जैसे ही मैं मरता है परमात्मा आपके भीतर उतर जाता है। पहला डर ये हो सकता है कि मैं मर जाऊंगी, मैं को तो मारना पड़ेगा बेटा। और मैं क्या होता है, मन होता है। जैसे ही मैं को मार लोगे,
आप स्वयं ईश्वर हो जाओगे। जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे कि अष्टावक्र ने कहा था, अहम शिव, मैं ही शिव हूँ। पूर्ण चेतना पर जब व्यक्ति पहुँच जाता है तो उसे पता चलता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। बुद्ध उसे निर्वाण कहते हैं, महावीर उसे कैवल्य कहते हैं, हिंदुओं की भाषा में उसे मोक्ष, निर्वाण बोला जाता है, मुक्ति बोला जाता है। तो जहां मैं नहीं रहता है वहां परमात्मा उतर जाते हैं, और एक बार परमात्मा उतर जाए आपके भीतर तो फिर आप आनंद में रहने लगते हो। फिर न सुख रहता है, न जीवन में दुख रहता है, न कोई ज़रूरत रहती है। जो भी ज़रूरत होती है वह पूर्ण हो जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ पर, पहाड़ ऐसे उठा हुआ होता है और उसके साइड में खाई होती है। जब बारिश आती है तो सबसे पहले पहाड़ पर पानी गिरता है ना, पहाड़ की चोटी पे, लेकिन वहाँ ठहरता नहीं है, नीचे खाई में आ जाता है। इतना ही अंतर है, ये मैं है, खड़ा है, अहंकार है, भाव है। और ये क्या है, ये घाटी नहीं है बेटा, ये समर्पण है कि मैं तेरा ही हूँ परमात्मा, या आप मेरे ही भीतर हैं। ये दो शब्द लगेंगे आपको, दो लाइनें हैं, लेकिन हैं एक ही। यदि आप ऐसे कहोगे कि मैं तेरा ही हूँ, तब भी वही बात, या ये कहेंगे कि तू मेरे ही भीतर है, तब भी वही बात। मुख्य बात है परमात्मा, आप का होना नहीं। इसलिए बेटा, जब माँ काली आ ही गई है तो फिर काहे का डरना। दूसरी चीज आपके डर की क्या हो सकती है, दूसरी चीज हो सकती है घर परिवार आस पड़ोस कि वो क्या कहेंगे। यदि आप चौकी लगाओगी, दरबार लगाओगी, लोगों के कष्ट काटोगी, तो दूसरा डर ये है आपका, मैं बता देता हूँ साफ साफ, क्यों, जैसा मैं आपके भीतर देख पा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं देखता हूँ, आपके भीतर देखता हूँ। दूसरा डर ये है कि समाज क्या कहेगा, पड़ोस अड़ोस क्या कहेगा, परिवार के जो सदस्य है वो क्या कहेंगे। बेटा, अनेक लोग चौकी लगाते हैं, अनेक लोग दरबार लगाते हैं, अनेक लोग कष्टों का नाश करते हैं लोगों का, जिसमें उनका नाम भी होता है, उनके रुपये पैसे भी मिलते हैं, सम्मान भी होता है, दुआएँ भी मिलती हैं, इज्जत भी होती है। और उनका मार्ग यदि सही हो, यदि सही रूप में आप काम करो, तो आप किसी भी कर्म फल में भी नहीं पड़ते हैं। जिस तरह अनेक लोग कर्म फल में पड़ जाते हैं ना, दूसरे के कर्मों का फल अपने ऊपर ढांक लेते हैं, अपने तप का बल दूसरों को दे देते हैं, दूसरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप पड़ जाते हैं बिस्तर पर। यदि सही ढंग से आप करोगे तो कर्म फल में भी नहीं पड़ोगे। इसके बाद नंबर, चलो पहले दो का ही पॉइंट बता दूं, मुर्दा सेवकदारी में भी नहीं जाओगी। आपको करना क्या है, आपको समर्पण कर देना है पूर्ण रूप से माँ काली को, क्योंकि अब गुरु के वचन से माँ काली आपके घर में आई है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि दरवाजा खोलूं या ना खोलूं, गुरु जी ये पर्सन ही नहीं है, आप भले ही मत खोलो दरवाज़ा, वो दरवाजे को तोड़ कर आएंगी। माता काली महाशक्ति हैं, और जब उनको बुला रही थी 14 साल से, भक्ति में लीन थी, तब आपने नहीं सोचा कि एक दिन वो आएंगी, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। भले ही उसको 14 साल लगे, और 14 साल भी क्यों लगे, क्योंकि आपको कोई समर्थ गुरु नहीं मिला जो आपकी मलिनता को हटा सके। और जब तक मलिनता आपके घर में है ना, शुद्ध देवी देवता की शक्ति कोई भी आपके घर में नहीं आएगी, न ही आपकी कोई मदद करेगी। आप कितना ही नाक रगड़ लेना कहीं दरबारों में, चौकियों में, भक्तों में, जब तक मलिनता ही साफ नहीं होगी, शुद्ध शक्ति नहीं आ पाएगी। इसलिए काली माता से डरती हूँ, आपने बोल तो दिया, लेकिन इसके कई मतलब निकलते हैं। तो आप चौकी लगाने से डरती हैं, दरबार लगाने से डरती हैं, किसकी वजह से डरती हैं, समाज की वजह से। समाज आपको खाने को देता है,
आपके पास अभी कुछ दिन पहले पैसे भी नहीं थे, बीमार भी थे, घर में भी परेशानी थी, गलत आपके साथ हो रहा था। तब किसी ने समाज में से आके आपका हाथ पकड़ा कि चलो मैं आप गिरे हुए को मैं ऊपर उठाता हूँ, चलो मैं आपकी मदद करता हूँ, ये रखो कुछ पैसे कहीं दिखा लो, आपके घर में खाने को नहीं है, चलो मैं एक दो बोरी गेहूं की डाल दूँ। आया था कोई समाज में से? नहीं आया होगा। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमारा कोई नहीं है, हमारे परिवार के साथ न तो पड़ोसी पड़ोसी साथ दे रहे हैं, न कुटुंब कबीला साथ दे रहा है, न रिश्तेदार साथ दे रहा है, हमारे तो रिश्तेदारी भी खत्म, मित्र प्यारे भी खत्म, और क्या नाम इनका जो अपने रिलेटिव होते हैं, कुटुंब कबीला बोलते हैं हमारे तरफ, आपकी तरफ पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो भी हमारे नहीं हैं। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास अभी 1-2 करोड़ रुपए होते तो जो आपके रिश्तेदार भी नहीं हैं वो भी चले आते आपके रिश्तेदार बनने। आपकी माली हालत जीरो है, कोई भी आदमी पास आएगा क्या सोचेगा कि ये साले खुद तो बर्बाद हो गए हैं, मैं जाऊंगा तो मुझसे भी कुछ ना कुछ मदद मांगेंगे, बोलेंगे 2,000 दे दो, 4,000 दे दो, हमारे ये काम कर दो, हमें ये चीज़ दे दो, ये नहीं है। तो हर आदमी आपसे बचने लगता है। क्यों बचने लगता है? वो सोचता है कि खुद तो बर्बाद है ही, मैं जाऊंगा तो कहीं मुझसे ही ना बोल पड़े कि भाई तू ही दे दे 10,000, या चल पड़े हमारे साथ, कहाँ जाना है, तेरे पास गाड़ी है एक दिन चल। हर कोई आपसे दूर हट जाता है। उसका कारण एकमात्र यही है, आपका सौभाग्य वो छिन जाता है। सौभाग्य जो होता है व्यक्ति का वो छिन जाता है, फिर उसकी औकात कुत्ते जैसी हो जाती है। फिर मुझसे कहते हैं कि गुरुजी ना रिश्तेदार हमारे, ना परिवार हमारा, न ही कोई हमारा मित्र प्यारा है। तो इसका एकमात्र कारण पैसा न होना, गरीबी। अगला प्रश्न देख लेता हूँ मैं। उदयभान वडोदरा से, उदयभान सिंह वडोदरा से लिखते हैं, गुरुजी मैं माँ विंध्यवासिनी की सेवा करता हूँ और कृपया मुझे बताइए कि मुझे साधना के समय कपड़ों का रंग कैसा होना चाहिए मेरा। तो बेटा उदयभान सिंह जी, आपके कपड़ों के रंग का साधना से मेरे तो हिसाब से कोई संबंध नहीं है। मेरे तो हिसाब से आपके शरीर का भी साधना से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जैसा मेरा मानना है, भक्ति है, साधना है, ध्यान है, योग है, उसमें शरीर से संबंध होता ही नहीं है, न देवी का संबंध होता है, न किसी अन्य शक्ति का होता है। आपके कपड़े काले हों, पीले हों, नीले हों, हरे हों, गुलाबी हों, दुपट्टा हो, देवी को उससे क्या लेना देना है। हाँ कुछ चालाक लोग आपको बोल देंगे कि लाल आसन होना चाहिए, ऐसे रंग की माला हो, ऐसा आपका बाणा हो, बोल देते होंगे, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरी नज़र में इनका आपसे कोई संबंध नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक हिमालय पर बाबा जी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, खाली एक लंगोटी लपेटे हुए हैं। अब उनके मन में ये ख्याल आ जाए जो आपके अंदर आ गया, वो तो देखिए विवेकी हो गए, प्रज्ञावान हो गए, उन्होंने तप किया, जप किया, सब कुछ उन्होंने जान लिया। आपको अभी घंटे का भी पता नहीं है, आप अभी रंग में उलझे हैं कि कैसा रंग हो मेरे कपड़ों का। वो एक लंगोटी बांध के परमात्मा को पा लिए और तू मूर्ख अभी भी रंग की चिंता में पड़ा है कि काला रंग हो, लाल रंग हो। रंग देखकर माता आएंगी, माता कोई मक्खी थोड़ा ना है कि लाल रंग पे आएंगी, पीले रंग पे आएंगी। क्यों मूर्खता में पड़ा बेटा? रंग रूप कुछ मायने नहीं रखता है। तेरे अंदर ईश्वर का प्रसाद यदि उतर गया फिर तो शरीर को भी कुछ नहीं जानेगा, सोचेगा ये भी मशीन है। अगला प्रश्न है संकल्प गुज्जर नोएडा। गुरुजी सर भारी रहता है, घूमता रहता है, कंधे भारी रहते हैं, पेट में दर्द रहता है और रात को स्वप्न दोष होता है। मैं किसी के सामने बोल नहीं पाता हूँ, आवाज तुतला जाती है, चीजें भूल जाता हूँ, कहीं टिक नहीं पाता हूँ, चार आदमियों में खड़ा नहीं रह सकता हूँ। तो बेटा संकल्प गुज्जर जी नोएडा वाले, सर भारी रहना, कंधों पर वजन होना, पेट में दर्द रहना, स्वपन दोष होना। अब स्वपन दोष भी कैसे होता होगा आपको?
आपको स्त्रियां दिखाई देती होंगी, लड़कियां दिखाई देती होंगी और रात को स्वप्न दोष। उसके अलावा गलत ख्याल आना, दिमाग का काम नहीं करना, ये सारे के सारे ए टू जेड लक्षण मसाणे के हैं। मसाणे जिस लड़के पर सवार होती है, पुरुष पर सवार होती है, उसके साथ यही रहता है। सर तो भारी रहता है, जैसे कोई वजन रखा हुआ है, कंधों पर भार रहता है, वो ऐसे नहीं रहता है, फिर वो ऐसे रहता है, ऐसे खड़ा रहता है, कभी इस तरह मुंह करके, कभी इस तरह मुंह, ऐसे तो रहना भूल ही जाता है। कंधों पर, फिर पेट में, बेटा पेट में सारी क्रिया पेट में ही आपकी होती है। मसाणे से संबंधित आपका जो नाभि होता है, यहाँ के नीचे एक तानदेन केंद्र होता है, जहाँ आपकी यौन ऊर्जा, काम ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी आत्मा, आपकी बैटरी, इनमें से किसी एक को आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ बैठ के वो उसको चाटती रहती है, आपको स्वप्न दोष होता रहता है रात को। और आपके शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, आपने देवताओं की तस्वीरें देखी होंगी, बुद्ध की तस्वीर देखी होगी, शिव की तस्वीर देखी होगी, महावीर की तस्वीर देखी होगी, भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, गुरु गोरखनाथ की, किसी भी देवी देवता की आपने तस्वीर देखी होगी, तो उसमें उनके सर के चारों तरफ पीछे एक रोशनी का पुंज होता है, गोल वो होता है, जैसे चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, ऐसा एक शरीर के हमारे चारों तरफ प्रत्येक व्यक्ति के एक ओरा होता है। उस ओरे को वही लोग देख सकते हैं, कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई संत, जिसकी दिव्य दृष्टि ओपन है, वह उस ओरे को देख सकता है, इस ओरे को। तो ये ओरा क्या होता है, ये आपका सुरक्षा चक्र होता है, आपके शरीर की पूरी ऊर्जा को यह नियंत्रित करता है। यदि कोई बलवान पुरुष है, शक्तिशाली ऊर्जावान पुरुष है, कोई सिद्ध है, कोई योगी है, तो उसका ओरा एक हाथ से भी ज़्यादा लंबा, ऐसे चकोर टाइप में हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि उसके ओरे की शक्ति से कोई भी शक्ति अटैक नहीं कर सकती है, और उसके ओरे से अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है। तो जब आपके साथ बार बार ये होता है, जैसे मसाणी है, यहाँ बैठी है, चाट रही है जीवन ऊर्जा को, स्वप्न दोष हो रहा है बार बार आपका, गंदे ख्याल आते हैं, स्त्रियाँ दिखाई देती हैं, आपके साथ ये होता है, तो वह जीवन ऊर्जा आपकी नीचे की तरफ से बहती है। जीवन ऊर्जा जो होती है, काम ऊर्जा जो होती है, वह दो तरीक़ों से बहती है। प्राण ऊर्जा या तो नीचे से बहे, लिंग से बहे, उसको बोलता हूँ मैं बहना, मतलब खर्च होना, नष्ट होना, यूज होना, वो आप समझ सकते हैं। एक होता है इसको ऊपर की तरफ चढ़ना, आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, सुषुम्ना नाड़ी, उसके माध्यम से यह ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठती हुई यह सभी चक्रों को, नाभि चक्र को खोलेगी, अनाहत चक्र को, हृदय चक्र को खोलेगी, आपके कंठ चक्र को, विशुद्धि चक्र को खोलेगी, और फिर सीधी ये आपके आज्ञा चक्र को खोलेगी, जिसको आज्ञा चक्र बोला जाता है, दिव्य दृष्टि बोला जाता है, शिव का त्रिनेत्र बोला जाता है, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। छठा चक्र होता है ये आज्ञा चक्र। तो वही ऊर्जा यदि ऊपर की तरफ उठने लगे, उदयमान बोलते हैं उसको, उदान वायु, एक प्राणवायु होती है, एक समान वायु होती है, एक उदान वायु होती है, इस तरह से वायु के रूप हैं ये। तो जो प्राण वायु है आपकी, जीवन ऊर्जा है, जो सेक्स की ऊर्जा है, जो काम की ऊर्जा है, वह ऊपर की तरफ उठती है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, और आज्ञा चक्र तक जैसे ही वह पहुंच जाती है, आप सिद्ध हो जाते हैं, आप एक योगी के बराबर हो जाते हैं फिर। तो यह ऊर्जा यदि ऊपर की तरफ जाए तो आप सिद्ध हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं, आप परमात्मा को पा लेते हैं, पूर्ण हो जाते हैं आप, क्योंकि आपने स्वयं को जान लिया। स्वयं कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे सामने ये पर्सन है, मैं कौन हूँ, तो मैंने स्वयं को जान लिया है मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे आप सबको ये चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को जान लिया, और जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, परमात्मा को भी जान लिया, आत्मा को भी जान लिया। तथा मसी श्वेत केतु, वह तुम ही हो श्वेत केतु, यानी कि मेरे भीतर ही परमात्मा है, तो यह मैंने देख लिया इस माध्यम से।
अब हो गया सिद्ध, हो गया योगी। तो ये जो ओरामंडल होता है ये इसी से संबंधित होता है, आपका ओरामंडल, आभा मंडल कहिए इसको। तो जब नीचे की तरफ आपकी ऊर्जा बहती है, स्वपन दोष के माध्यम से बहे, आपके हाथ के माध्यम से बहे, संभोग के माध्यम से बहे, किसी भी माध्यम से, सोचने से भी आपकी ऊर्जा बहती है, अगर आप गंदे विचार सोचते हैं तो ये नीचे की तरफ बहती है। तो ये ओरा मंडल जो आप जन्म के साथ लेकर आए थे, इतना था इतना था, ये घट 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 के बिल्कुल साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक किस्म का 5% 4% बच जाता है। फिर आपके साथ क्या होता है, आपकी बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है कि आप बेड से खड़ा ही नहीं होना चाहते हैं, आपका आत्मविश्वास इतना डावाडोल हो जाता है कि चार आदमियों में आप बोल नहीं सकते हैं, किसी से नजर मिला के बात आप नहीं कर सकते हैं। इसका कारण आपका ओरा मंडल खत्म हो जाना है, विलुप्त हो जाना है, नष्ट हो जाना है। आप कहीं जॉब पे जाते हैं, कोई दुकान कर लिए, कोई बिजनेस करते हैं, वो आपका ठप हो जाएगा, क्योंकि आप में न तो निर्णय लेने की क्षमता है, ना आपके अंदर आत्मविश्वास है, ना आत्म स्वाभिमान है, कुछ नहीं है आपके अंदर, आप खाली हो अंदर से, ऐसे बैठे दिखाई देते हैं, फला व्यक्ति बैठा है, आपका नाम जो माता पिता ने रखा, आपके भीतर होता कुछ नहीं है, ना आपके अंदर कोई ताकत होती है, ना कोई सोच होती है, ना कोई ज्ञान होता है, ना कोई आत्म बल होता है। आत्म बल किसे कहते हैं, आत्मा का बल। और आत्मा क्या होती है, आत्मा का जो हिंदी में रूपांतरण मैं करूं तो आत्मा का होता है अपना, यानी कि जो मेरा अपना है, मेरा क्या अपना है, मेरी केवल आत्मा है, इसलिए आत्मा कहा जाता है जो अपना है, बाकी सब तो बेगाना है, घर बेगाना है, पत्नी बेगानी है, बच्चे बेगाने हैं, पैसा बेगाना है, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा माया में, लेकिन अपना क्या है, आत्मा। इसलिए वो आपके साथ जाती है, आप उसको कमजोर करके ले जाओ या उसको शक्तिशाली बनाकर स्वयं ही परमात्मा हो जाओ, जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, जिन्होंने स्वयं को जान लिया कि मैं ही वो वही हूँ, मतलब तुम वही हो, तो उसका ओरा बेटा बिल्कुल सूख जाता है, वह बोलता है तो जबान ललकड़ाती है, ललकलाती होगी, तुतलापन, गला रुक जाना एकदम, बोलते बोलते आवाज बिल्कुल बंद हो जाना उसकी, इतना भी आत्मविश्वास उसमें बचता नहीं है। आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण देके बताता हूँ, आप दुकान पर गए, उसमें आपकी स्थिति बताता हूँ आपकी कैसी होती है, आप दुकान पर गए, आपने पूछा कितने किलो है ये, दुकानदार ने कहा भाई ये है 90 रुपये किलो, आपने कहा 1 किलो दे दो, आपके पास 100 का नोट है, आप सामान पैक करके हाथ में ले लेते हो, दुकानदार को 100 रुपये देते हो, और दुकानदार भीड़ की वजह से भूल जाता है कि भाई मुझे 100 रुपये लिए हैं, 10 रुपये वापस देने हैं, वह लेके 100 रुपये जेब में डाल लेता है, आप 1-2 मिनट खड़े देखते रहते हो कि यह खुद ही पैसे निकाल के दे दे, फिर 5 मिनट तक देखते रहते हो, भाई अभी भीड़ है, थोड़ी भीड़ छटेगी फिर ये दे देगा, 10 मिनट 15 मिनट आप खड़े रह के ऐसे ही वापस आ जाते हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि उसको बोल दे कि मेरे 10 रुपये वापस करो। तो ये स्थिति कब आती है, जब आपका ओरा मंडल खत्म हो जाता है। ये तो हो गए ओरा मंडल खत्म होने के दुष्प्रभाव। ओरा मंडल मजबूत होने के प्रभाव क्या होते हैं, जैसे हम अपना ही उदाहरण देते हैं, यदि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव शक्ति है, कितनी भी शक्तिशाली है बेटा, कितनी भी शक्तिशाली, मैं ये नहीं बोलता कि कोई ये है वो है, कितना भी नेगेटिविटी आपके अंदर बड़ी है, जैसे ही आप मेरे पास आके बैठोगे मेरा ओरा मंडल आपको दिखाई नहीं देता, 10 मिनट आप बैठोगे मेरे पास, 10 मिनट में आप महसूस करोगे कि 50% नेगेटिविटी मेरी जल गई है, सिर्फ 10 मिनट में। 10 मिनट आप मेरी आंखों में देखो, एक टक देखना आपको, पलक मैं भी नहीं झपकाऊंगा, आप भी नहीं झपकाओगे, 10 मिनट बाद आप, मैं आपको बोलूंगा खड़े हो जाओ, आप खड़े होंगे, मैं पूछूंगा आपको कहाँ कहाँ दर्द रहता था, आप बोलोगे 7 8 10 साल 15 साल से यहाँ यहाँ दर्द रहता था, अब मैं बोलूंगा उस जगह पे हाथ लगा लो जहां पे दर्द है, अब आप हाथ तो घुमाओगे लेकिन एक समय मुझे ये बोलोगे कि अब कहीं नहीं है, मैं बोला अब क्यों नहीं है भाई, अभी तो बोल रहे थे 7 साल से दर्द है,
तो बोलेगा अब नहीं है, तो कहाँ गया उसका दर्द? ये पता है आपको, ये जो आभा मंडल है, जो ये ओरा मंडल है, इसकी जो ऊर्जा है, तरंगे हैं, पवित्र तरंगे हैं, परमात्मा का प्रकाश है, जो इसमें नेगेटिविटी उसके जल जाती है। इसलिए मेरे पास आते ही आधे घंटे बाद व्यक्ति कहता है कि अब न कोई कंधों पर भार है, न कोई सर में दर्द है, न कोई पेट में दर्द है। ऐसा क्यों होता है? यह परमात्मा की ही ऊर्जा है। जैसा शंकराचार्य ने कहा था, जगत गुरु शंकराचार्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं तुम्हें बता देता हूं कि परमात्मा होता क्या है। फिर आप डूब जाते हैं उसकी मस्ती में, उसकी सुगंध आपको महसूस होती है, उसकी आवाज संगीत आपके कानों में गूंजता है और आप ठीक हो जाते हो। ये होती है परमात्मा की तरंग। एक कण भी आपको मिल जाए तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यदि आपको परमात्मा की जरा सी भी सुगंध कहीं से आपके नाकों से टकरा जाए, उसका संगीत अनहद नाद यदि आपके कानों को छू लेना है, एक पल के लिए भी आपका जीवन बदल सकता है बेटा। और उसमें रहना, अनहद में विश्राम, उस अनहद में विश्राम यदि आपने कर लिया, फिर आप मार नहीं खाओगे। अगला प्रश्न देख लेता हूं मैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कर्ता पुरख निर्वैर निराकार, शुभम पासी कानपुर। शुभम पासी लिखते हैं कि गुरुदेव, परमात्मा के विषय में बताइए। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा कर चुका हूँ, अनेक मजारों पे जा चुका हूँ, अनेक मंदिरों में जा चुका हूँ। जहाँ जहाँ मेरे से जाया गया मैं गया, लेकिन मुझे अनुभव कुछ नहीं मिला। तो बेटा, शुभम पासी कानपुर वाले, आपको बताऊं बेटा, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, किसी मजार पे जाओ, जब तक आपके भीतर परमात्मा नहीं है ना, परमात्मा आपके भीतर जागृत नहीं है, तब तक आपको किसी भी पत्थर में, किसी भी मंदिर में, किसी भी मूर्ति में, किसी भी किताब में, किसी भी धाम पे, तीर्थ पे आपको कोई अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद से ही रिफ्लेक्ट करते हो अपने परमात्मा को। आपके भीतर ही बैठा है वो, जो आपकी आंखों के माध्यम से पत्थर पर पड़ता है और परमात्मा की ऊर्जा उस पत्थर से बहती है और आपको शांति मिलती है। आपके साथ पता है क्या स्थिति है? नेपाल में मृग होते हैं, हिरन बोलते हैं जिनको, उनकी नाभि में कस्तूरी होती है। आपने देखा होगा, कभी हरिद्वार आए, गंगा घाट पे नहाए, तो वहाँ किसी दुकानदार के पास आप कस्तूरी देखना, वो बहुत सुगंधित होती है, उसकी नाभि होती है। और जैसे ही वह पक जाता है, जैसे एक फल पक जाता है, फूल पक जाता है और सुंदर हो जाता है, उसकी सुगंध बिखरने लगती है, वैसे ही वह कस्तूरी की खुशबू उसकी नाभि से बाहर जंगल में फैल जाती है और उसके नाक नासापुट से, नाकों से वह टकरा जाती है, कस्तूरी की सुगंध। फिर मृग पागल हो जाता है उस मस्ती में, उसको लगता है ये सुगंध उसकी प्रेसी की है, उसकी प्रेमिका की है, और वह जंगल जंगल भटकता फिरता है उस सुगंध को ढूंढने। और ऐसे भटकते 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 भूखा प्यासा वह मर जाता है। और जब वह मर जाता है तो कोई शिकारी, कोई दुकानदार, उसकी नाभि का जो सौदागर था, वो जाता है और उसकी नाभि को काट लाता है और फिर यहाँ बेचता है लाके दुकान पे। तो आपकी भी स्थिति वही है, सुगंध आपके भीतर से ही उठ रही है, लेकिन आप उसको ढूंढने के लिए मंदिर जा रहे हैं, मजार जा रहे हैं, धाम पे जा रहे हैं, किसी मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, कहीं भी ढूंढ रहे हैं। मैं इसको बेटा मूर्खता आपकी मानूंगा। ढूंढा उसे जाता है जिसे कभी खोया हो, और इसे कभी खोया ही नहीं है, वो तो शुरू से ही आपके भीतर है और मृत्यु तक आपके भीतर ही रहेगा। लेकिन आप ढूंढते उसे बाहर रहे, बाहर वो मिलता नहीं है, किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। जो बोलते हैं हमें बाहर मिला, साक्षात दर्शन हो गए, मेरी नजर में वो मूर्ख है। काल्पनिक
अपनी कल्पनाएं हैं उनकी, बाहर कभी मिलता ही नहीं है, जब भी मिलता है भीतर ही मिलता है। तो मुझे जब मिला भीतर ही मिला, और आपको भी जब मिलेगा भीतर ही मिलेगा, आपके कहीं बाहर नहीं मिलेगा। तो आप किसी एक परमात्मा को पकड़ लीजिए, आप काली माता को, दुर्गा को, शिव को, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, नानक को, कबीर को, किसी एक को पकड़ लीजिए, शुभम पासी कानपुर वाले जी, उसी के रूप में परमात्मा रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके भीतर। यदि श्रद्धा सच्ची है, विश्वास सच्चा है, आपकी लगन सच्ची है, परिश्रम सच्चा है, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है कि आप कितना बड़ा प्रसाद चढ़ा रहे, कितना भोग चढ़ा रहे, कितने जाप कर रहे, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। महत्व खाली एक है, आपका समर्पण। जैसे ही मैं खत्म हुआ, मैं की भावना खत्म हुई, वैसे ही वही परमात्मा आपके भीतर उतर जाता है। भाई मैंने तो ऐसा करा है, भीतर ही प्रकट हो जाता है जब मैं खत्म होता है, फिर आपके जीवन में आनंद बरसता है, अनहद नाद में विश्राम करने लग जाते हो आप। और जैसे जैसे अनहद में विश्राम आपका होने लगता है, आपके शरीर से एक सुगंध, एक तरंग, एक प्रसाद ऐटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि अन्य लोग भी प्रभावित होने लगते हैं, उनके भी जीवन बदलने लगते हैं, उनके चेहरे पर भी चमक आने लगती है, गुलाबीपन आने लगता है, आपके शब्द में वो ताकत आ जाती है। ये कब होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, अंतिम बार फिर बता रहा हूँ। जैसे ही मैं खत्म होता है, मैं क्या है, जैसे आप पैदा हुए, आपका पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, था ना। फिर आप थोड़े बड़े हुए, समझने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, फिर आपके माता पिता ने आपको बताया कि आप राहुल हैं, मम्मी बोली राहुल है, स्कूल में नाम लिखवाया, पहली कक्षा में लिखा राहुल नाम है, 10वीं कक्षा में पहुंचे पता चला राहुल नाम है, आपके दोस्तों ने आपको राहुल कह के पुकारा, आपने कहा मैं राहुल हूँ, नौकरी करने गए, आपके दस्तावेजों पर राहुल लिखा था, मर जाते हो तब आपको कहते हैं कि राहुल आज मर गया, मृत्यु हो गई, विदा हो गया। तो ये पहचान आपको किसने दी है, ये पहचान आपको आपके ही आसपास के लोगों ने दी है, जिनको किसी और ने पहचान दी थी, उनके माता पिता ने दी थी। तो बच्चे का पहला प्रश्न होता है मैं कौन हूँ, और यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन आपको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि परमात्मा कौन है, क्योंकि यह दो ही हैं, आत्मा और परमात्मा। जिस दिन आत्मा को पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, आपको पता चल जाता है मैं कौन हूँ, उसी दिन आप एक हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा बचता है, मैं खत्म हो जाता है, यानी कि आप खत्म हो जाते हैं, सिर्फ परमात्मा बचता है। जब तक आप हैं परमात्मा नहीं मिलेगा, जिस दिन मैं खत्म हो गया उस दिन ही तू आ जाता है, फिर तू ही है, तू ही निरंकार, तू ही एक ओंकार, तू ही ओमकार, तू ही शिव, जो कुछ भी आपकी भाषा में, आपकी श्रद्धा में, भक्ति में, इष्ट के रूप में जिसे आप जाने। मैं तो खाली लास्ट में एक छोटा सा एक गाने की लाइन आपको सुनाऊंगा, मैं अपनी परमात्मा के प्रति मेरे क्या विचार हैं, वो है चांद छुपता है कब सूरज निकलता है, मेरे मन मंदिर में दिन रात तेरे नाम का दिया जलता है, तेरे नाम का दिया जलता है। तो किसके नाम का दिया जलता है, उस एक के, जिसे नानक ने एक ओंकार कहा, बुद्ध ने जिसे निर्वाण कहा, महावीर ने केवल्य कहा, आप उसे शिव कहते हैं, कोई राम कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई काली कहता है, कोई दुर्गा कहता है, आप जिस कुछ भी कहें, मैं उसी को परमात्मा कहता हूँ। वो परम पुरुष,
अलख अनादि अविनाशी अंतर्यामी वही है। और आप कौन है बताऊं एक बार फिर? ततो मसी श्वेत केतु, तुम वही हो श्वेत केतु, तुम वही हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।